नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी से हुए गैंगरेप के मामले में भले ही योगी सरकार ने एसपी और डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों में इस कांड को लेकर बेहद गुस्सा है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार को समर्थन देने वाले एक निर्दलीय विधायक ने हाथरस रेप कांड में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ भी सख्त सजा देने की मांग की है। यह विधायक और कोई नहीं बल्कि मनोहर सरकार को समर्थन देने वाले नीलोखेड़ी के विधायक हैं। आपको बता दें कि नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर मौजूदा समय में हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन भी हैं, यानी मनोहर सरकार में भी वह भागीदारी रखते हैं। ऐसे में उनका यह बयान हैरान कर देने वाला है, क्योंकि मनोहर सरकार में भागीदारी दे रहे किसी भी विधायक ने योगी के अधिकारियों के खिलाफ अभी तक मोर्चा नहीं खोला है, लेकिन विधायक धर्मपाल गोंदर ने योगी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ ना केवल मोर्चा खोला है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें भी ऐसे सजा मिलनी चाहिए जो आरोपियों को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ किया है कि वह किसानों के साथ है। नीलोखेड़ी में विकास की नई परियोजनाओं तथा किसान आंदोलन और हाथरस रेप कांड मामले में उन्होंने क्या कुछ खुलकर कहा, यह आज आपको देखना चाहिए। समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला ने स्वयं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। आप भी देखिए, नीलोखेड़ी के विधायक तथा हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हम आपको अपने विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे, ना केवल रूबरू कराएंगे बल्कि राजनीति से जुड़े तलख तेवरों वाले सवाल भी करेंगे। आपको याद है कि एक तो हमारे हरियाणा के अंदर किसान मुद्दा छाया हुआ है और दूसरा यूपी में हाथरस का मुद्दा। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे तब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब आपके सामने जिससे हम सवाल पूछने जा रहे हैं वो राजनीति से जुड़ा नेता हो, और जुड़ा नेता ही बल्कि क्यों हो, बल्कि अपने हलके का विधायक भी हो और विधायक के साथ साथ सरकार में समर्थन हो और फिर सरकार में चेयरमैन का पद भी हो। आपको हम लंबा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं आपकी मुलाकात आज जिस शख्सियत से आपकी कराने जा रहा हूँ वो बेहद निहायत ईमानदार छवि वाले नेताओं की गिनती में शुमार होते हैं। मुझे भी मेरे ख्याल 25 से 30 साल हो गए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। मैंने आज तक उनका किसी भी प्रकार का कोई विवाद सुनने को मेरे को नहीं मिला है कि वो किसी प्रकार के जातिवाद के या किसी आर्थिकवाद के संकट में फंसे और कोई विवादित छवि वाले नेता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी साफ सुथरी छवि है और ईमानदारी तो है ही है, और साथ में एक वो शालीनता होती है ना जो आजकल के नेताओं में बहुत कुछ कम देखने को मिलती है, वो शालीनता भी उनमें शुमार है। अब वो शालीनता उन्हें अपने परिजनों से मिली या राजनीति में उन्होंने इससे सीखा, ये सवाल भी हम उनसे पूछेंगे। उनका नाम है ये धर्मपाल गोंदर जी, नीलोखेड़ी के विधायक हैं, राजनीति में कई साल पुराने चर्चित चेहरे थे और अब की बार जो 2019 में विधानसभा हरियाणा के चुनाव हुए भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अंतिम क्षणों में टिकट नहीं मिली तो उन्होंने लोगों की जो मंशा थी, जो आशाएं थी लोगों की, उन पर जो टिकी हुई थी, जो उनके कार्यकर्ता काफ़ी महीनों से जो उनके साथ चल रहे थे, वो ये ऐसा नहीं चाहते थे कि वो अभी फिलहाल चुपचाप घर बैठ जाएं। आखिरकार कार्यकर्ताओं का उन पर दबाव पड़ा और हौसला अफजाई के साथ साथ वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे। जब मैदान में उतरे तो कार्यकर्ताओं ने जीत भी उनकी झोली में डाली। जीतते ही उन्होंने मनोहर लाल सरकार को समर्थन दिया, क्योंकि बीजेपी के पुराने नेता रह चुके थे, इसलिए वो जानते थे कि प्रदेश का भला जो है मनोहर सरकार के हाथों में है, क्योंकि मनोहर लाल खुद मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन ईमानदार नेता भी थे और साथ ही साथ वो सीएम सिटी यानी कि करनाल के विधायक भी थे। उन्होंने समर्थन दिया
और मनोहर लाल ने भी उन पर आस्था जताई और एक जिम्मेवारी का पद दिया, वो हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन बनाए गए। आज वो हमारे मेहमान हैं, समाचार एक्सप्रेस के स्टूडियो में आज मौजूद हैं। आज हम उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात जरूर करवा देता हूँ। धर्मपाल गोंदर जी हैं हमारे समाचार एक्सप्रेस के स्टूडियो में। आज समाचार एक्सप्रेस यानी कि जनता के सवालों का जवाब, यानी कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आज इनको हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले धर्मपाल गोंदर जी, समाचार स्टूडियो के समाचार एक्सप्रेस के स्टूडियो में आने पर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ एज ए चीफ एडिटर। मैं समाचार एक्सप्रेस का और आपके चैनल के माध्यम से देश के उन पूरे समाचार एजेंसियों का, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, आज तक हो, इंडिया न्यूज़ हो, वो सभी जो देश की सच्चाई पर अड़े हुए हैं, देश के अंदर जो सच्चाई है उसको दिखाने में पब्लिक को कामयाब है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धर्मपाल गोंदर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने समाचार एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, बल्कि समाचार एक्सप्रेस के साथ साथ दूसरे चैनलों का भी आभार प्रकट किया, इनकी पत्रकारिता जगत का उन्होंने आभार प्रकट किया कि किन विभिन्न परिस्थितियों में वो अपनी क्षमता और दक्षता दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मपाल गोंदर जी, इस तरह की सोच आपने रखी। धर्मपाल गोंदर जी, अब मैं मुद्दे की बात पर आऊँगा। आप अक्सर कहा जाता है कि आप बड़े सरल स्वभाव के हैं और आपके पास कोई भी कार्यकर्ता आपसे जल्दबाजी में हस्ताक्षर करवा देता है, आपको पहचान तक नहीं हो पाती, इतने सरल स्वभाव के, आप मना ही नहीं कर पाते, आप ये भी नहीं पहचानते कि इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। आपके अंदर ये गुण पहले से ही विद्यमान है, आपने राजनीति में सीखा है? देखिए, कुछ संस्कार तो ऐसे होते हैं जो माँ बाप से, परिवार से मिलते हैं। हमारे पिताजी एक मजदूर थे, हमने उस घर में जन्म लिया और गांव में हमें पूछे तो हमें जहां हम अपने माँ बाप का नाम बताएंगे फिर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, हमें शायद अपने बेस पे एक रुपया ना मिले। जब माँ बाप का नाम आता है तो हमें कोई इनकार ही नहीं होता किसी चीज़ से। गाँव में मैं अपने माँ बाप का, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, ऐसे माँ बाप सबको मिले। आपका कार्यकर्ताओं से प्यार ऐसे ही शुरू से है, एक सीधे आपके कमरे तक आ जाते हैं, हाँ जी एमएलए साहब साइन करना, और आप शक्ल भी कई बार नहीं देखते, मैंने कई एक दो बार पहले भी आपके एक ऑफिस में मैंने आपका दौरा किया है, आप कहते हैं हाँ भी क्या काम है, आप फौरन हस्ताक्षर करते हैं। देखिए, इस बार 2019 में सभी कार्यकर्ता की इच्छा थी भाई एक बार मौका मिले मुझे, लेकिन नहीं मिला, मैं घर पे बैठ गया। 4 तारीख को अंतिम दिन नॉमिनेशन का समय था, 2 बजे मेरे पास फ़ोन आने लगे, मैं उनको बहुत मना किया लेकिन उनका प्यार मैं नहीं, जो प्यार था ज़्यादा था और मैंने उसको सर आंखों पर रखा। उनके कहने से, उनके प्यार की वजह से मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। मैंने बात ये ज़रूर करी थी फाइल करने से पहले भी, मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैंने कोई ऐसा दान भी नहीं कर रखा, मैं बहुत बड़ा दान हूँ हल्के में कि उसका मेरे को मिल जाए। तो सारे इकट्ठे हो गए, उन्हें कहा टिकट, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, उन्होंने कहा टिकट तो जनता दे रही है आपको, हम इलेक्शन लड़ेंगे, आप घर बैठ जाना। तो पूरी पब्लिक ने इलेक्शन लड़ा, 11 दिन में ये जीत हासिल की। मैंने एक जरूर उनसे निवेदन किया था भाई, मैं तो वही धर्मपाल हूँ, यदि ये टिकट जनता का है, ये जीतेगा तो है ही, जब सारी जनता है तो सारी जनता एमएलए हैं, मेरा कोई हक नहीं भी मैं किसी उस पर साइन ना करूँ। मैंने पूरे नीलोखेड़ी के हल्के के जितने वोटर हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगता किसी ने वोट नहीं दिए, मेरे को सभी ने वोट दिए, सभी जनता का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने जीत हासिल की। और मैंने एक ही बात कही थी, आप ही एमएलए हैं, मैंने अब भी कह रखा मैं मौके पर ना हूँ, मेरे साइन करके आप कहीं भी अपना काम कर सकते हो, वही एमएलए, मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ। धर्मपाल जी, आपने बड़ी सरलता से जवाब दे दिया
कि एक बहुत अच्छी बात भी कही आपने कि मैं गरीब परिवार से हूं और मैंने इतना दान दक्षिणा भी नहीं की हुई कि लोग मुझे जब चुनाव आएगा कि मुझे कुछ रुपए दान दे देंगे या मेरी इमदाद करेंगे। ये कुछ बड़े कम नेताओं में होता है जो ये स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी तीखे शब्दों वाली है, थोड़ी आप महसूस मत करना, मैं सवाल ये भी पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे भगवान दास कबीरपंथी जी सबसे पहले जब MLA बने तो आप पार्टी के उस समय कार्यकर्ता थे, लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने आप पर दबाव डाला, एक बार आपको लगा होगा मन के अंदर कि कल तक तो मैं उनके साथ था और आज उनके खिलाफ भी खड़ा हो रहा हूँ। अब की बार 2019 में, 2014 में जैसे टिकट मिला, पार्टी का फैसला था, हम पार्टी के भक्त, हमने उसकी मदद करी, वहाँ मैं उसका सह प्रभारी रहा और पूरे मन से वो जितनी भी हो पाई हम वोटों का प्रयास करके अपनी पार्टी को जिताया। इस बार मैं उस हलके की जनता से मना नहीं कर पाया, जो प्यार वो दिखा रहे थे, जनता ही जनार्दन है, जनता ही जितवाती है, जनता ही हराती है। जिद उन्होंने कहा भी टिकट हम दे रहे हैं तो मेरे को चिंता नहीं थी, पैसा मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास तो रिटायरमेंट और सब पार्टी में ही सारा कुछ लगा रखे थे मैंने, 6 लाख रुपए थे, 3,40,000 में मेरा इलेक्शन लड़ा गया 11 दिनों में, और कई गाड़ियां तो जो घूम रही थी वो मेरे को पता ही नहीं कौन लेके घूम रहा था, किसने वोट मांगी, और ज़्यादातर जो हमारा समाज था दलित समाज, उन्होंने कहा भाई आपका तो कोई नहीं है, उन्होंने चाहे सरदार समुदाय हो, रोड समुदाय हो, राजपूत समुदाय हो, पंडित समुदाय, सभी से निवेदन किया भाई ये वोट हमें दो, किसको दे रहे भाई हमें दो, बैठ का निशान है इस पे दो, ये हम सारे MLA हैं। तो बड़ा अच्छा लगे मेरे को, मेरा टिकट जनता ने दिया, जनता ने इलेक्शन लड़ा और जनता ही जीत के, और वही पूरे हलके की जनता विधायक है। मैंने सबसे इलेक्शन में निवेदन किया था कोई MLA MP उस पगड़ी का हकदार नहीं, मान लो 60 साल का कोई MLA बन रहा है, कोई 40 का बन रहा है, और एक 80-90 साल का बुजुर्ग उसको पगड़ी पहनावे, कहाँ के संस्कार है। मैंने निवेदन किया था नीलोखेड़ी से हम पहल करेंगे भी वो जो पगड़ी है उस बुजुर्ग को ही दी जाए, और उससे भी कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा उस गांव का उसको पहनाई जाए, MLA MP को कोई हक नहीं भी हम उनसे कोई बुजुर्ग पगड़ी MLA MP को पहनाए, बाद में भी जीतने के बाद भी जो आए मैंने उनके चरणों को हाथ लगाया, पगड़ी को माथे लगाया, उसी बुजुर्ग को रखा। आप नेता तो बहुत देखे होंगे आपने, पहले भी मैंने आपको इनके एक दो गुण मैंने बताए, आप देख लीजिए, इन्होंने बताया एक पगड़ी वाली बात बताई, ये गुण और संस्कार भी जो परिवारिक ही होते हैं, क्योंकि ये जो परिवार के जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जैसे हमारे पिताजी थे, वो साइकिल से अखबार बांटते थे और बोलते थे सबको, जो रास्ते में आता था उन सबको बोलते थे राम राम। तो यानी कि आज भी हम खुश हैं कि उनके संस्कार आज भी हमारे पिताजी के आज हमें हमारे पास मौजूद हैं, हाँ उनके संस्कार पे ही हम चल रहे हैं, संस्कारवान तभी बने हैं क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी संस्कारवान ही थे। इस तरह से ये जो संस्कार होते हैं ना, ये परिवार से एक विरासत के रूप में मिलते हैं, चाहे तो आप उसे अच्छाई की ओर ऊपर ले जाइए, चाहे आप उसे नीचे गिरा दीजिए। तो धर्मपाल जी, मैं अब अगले सवाल की तरफ आऊँगा। देश के अंदर रेप के मामले इतने बढ़ गए हैं, आज उसकी चर्चा अगर हम ना करें तो शायद बेमानी बात होगी, और खास तौर पे हाथरस में आपने बताया कि दलित समाज का आपके साथ बहुत प्रेम प्यार था, अभी आपने खुलासा किया था। मैं फिर से ये पूछूंगा आपसे, ये जो हाथरस के अंदर जो कुछ हुआ दलित समुदाय की बेटी के साथ, एक ऐसी बेटी जो जिसका रेप हुआ, पहले गैंग रेप हुआ, और वो माँ को अपने इशार परिवार को इशारों में बता गई, क्योंकि जुबान काट दी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ गई थी, और फिर चल बसी। इस तरह से बाद में एक यूपी के एक बड़े पुलिस अधिकारी का यह बयान आना कि रेप का तो सत्यापन ही नहीं हुआ, ये क्या मानते हैं आप, इसे क्या है ये? ये जब खुद के ऊपर बीतती है तब उस इंसान को पता लगता है। मान लो मुझे बुखार है, बुखार का मेरे को एहसास है, दूसरे तो को बुखार है, जिसकी बेटी के साथ मनीषा नाम की लड़की हाथरस में जो कांड हुआ, जो मजदूर थे खेत में घास लेने गई थी और थोड़ी देर उसका भाई घास लेके गांव में आ गया,
और माँ उसके कहे अभी वो उधर घास रखे वो इकट्ठा कर ले। चार दरिंदे आए जैसा लड़की ने बताया और उसको पकड़ के खेत में ले गए। उसके साथ रेप हुआ, 100 में से 100 हुआ और उसको फिर मारने की कोशिश की गई। उसको मारने की कोशिश की गई, उसकी गर्दन मरोड़ी गई, उसको नीचे गिर के उसकी रीढ़ की हड्डी में शायद लात मारे, गोड्डे मारे और जीभ काटने का जो वो झूठ बोल रहे हैं जीभ भी काटी गई ताकि ये नाम ना बताए। और मेरे को दुख इस बात का है, रेप होने के बाद जो उसके साथ अन्याय हुआ उसको मारने की कोशिश की गई। और वो 14 मतलब मरने से एक दिन पहले टीवी पे दिखा रहे थे, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था भाई भगवान की कृपा से ये बचेगी लड़की। तो प्रशासन या उन दबंग आदमियों ने जिन उन्होंने ये केस किया है उसमें कुछ और भी बड़े नेता या कोई दबंग शामिल हो सकते हैं। उस लड़की ने मुंह खोलना था तो अगले दिन जब देखा अभी ठीक होने लग रही है, अगले दिन जब वो ठीक ऐसा चेहरा लग रहा था, मरने वाला कोई उसमें था ही नहीं, फिर भी हम कहते हैं भगवान का कोई पता नहीं किस टाइम सांस ले लेता है। यदि वो मर चुकी थी और उसके परिवार वाले तो वैसे 18-20 दिन से घूम तड़फ रहे थे, वो तो वैसे ही टूट चुके थे, जब पुलिस की गाड़ी 2:30 बजे डेड बॉडी या उस मनीषा को जीवित को लेके आए, मेरा तो मन कह रहा है अभी वो जीवित थी लड़की, और जब लेके आए तो घर वाले जिसके घर में 18-20 साल रही, यदि एक साल का एक दिन का बच्चा होके चले जाए पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। जिस लड़की ने 18-20 साल घर में सेवा की हो वो तो भूल ही नहीं जा सकती, जवान लड़की थी। उसके माँ बाप से पूछो, उसके बहन से पूछो क्या बीत रही उनकी, उसके भाइयों से पूछो, तो क्या ऐसी मजबूरी थी प्रशासन की ये उनको उस अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देख पा दिखा पाए। मैं इस उससे मेरा मन मानता है शायद वो जीवित थी लड़की और इन्होंने 2:30 बजे उसको जलाया रात को, जो कि सूर्यास्त होने के बाद हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है ही नहीं, हिंदू परंपरा में है ही नहीं। क्यों 2:30 बजे रह गए कितने थे, 4.5-5 घंटे थे, सवेरे 7 बजे संस्कार किया जा सकता था। यदि उन्हें ऐसी मजबूरी थी तो उस परिवार को उस लड़की का चेहरा दिखाना चाहिए था और उस लड़की का बगैर पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार क्यों किया गया। मैं कह रहा हूँ वो प्रशासन कहाँ सो गया था, वो प्रशासन को कैसे शर्म नहीं आई। एक पुलिस अधिकारी मैं उसमें देख रहा था, पहले तो गाड़ी के पास जब उसके परिवार गया उसको किस तरह धक्के मार रहे थे, एक तक बुजुर्ग को ऐसे पकड़ के पुलिस वाले ने फेंकिया, कोई लेडीज़ के ऊपर गिरा, कईयों के 2-3 चक्कर आए, उधर से फेंकिया लेडीज़ को और उनको धक्के, दो पुलिस अधिकारी थे या कर्मचारी थे जिन्होंने धक्का दिया। एक अधिकारी था जब आग लगाने के बाद इधर वापसी आया और वो ऐसे हंस रहा था, उसकी आंखों में तो शर्म नाम की तो बात ही नहीं, उसकी आंखों में कोई ऐसा दुख का वो नहीं दिख रहा था, सभी को दिख जाता कोई शमशान में किसी दुश्मन के साथ भी जावे तो उसका चेहरा कैसा होता है। तो वो आके ऐसे हंस रहा था, मेरे को इस बात का वो था भी कि इतने के देश जीत कर वो भारत में मिला है, उसने इतनी खुशी प्रकट कर रहा था, ऐसे अधिकारी को शर्म आनी चाहिए थी। यदि उसकी बेटी का संस्कार करके आता वो, उसकी आंखों में क्या होता, आंसू होते कि क्या उसका हंसना अच्छा लग रहा था, सारे देश ने देखा उसको, दोषी तो है ही है, जो दोषी है उसको सजा मिले ही, जो ये पुलिस अधिकारी है जिन्होंने ये कांड किया, इसमें कोई भी प्रशासन अधिकारी हो मेरी तो ये इच्छा उनके साथ उनको भी इसकी फांसी की सजा हो, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसा कोई भी दबंग लोग प्रशासन हो ऐसा ना करें, उनको सजा होगी। तो एक मंत्र जी, एक और भी आपने समाचार शायद देखे होंगे तो उसमें एक चीज़ और, डीएम साहब की भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो परिवार को धमकी दे रहे हैं भी मीडिया आज तो आधा चला गया है, आधा कल चला जाएगा, परसों फिर चलेगा, फिर आप और हम तो फिर क्या, ये इस तरह की धमकी को क्या आप किस तरह से ले रहे हैं, मतलब ये क्या सरकार
सरकार का कंट्रोल नहीं है या सरकार के इशारे पर किया जा रहा था या डीएम खुद सरकार बने हुए थे? देखिए, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, टीवी पे देख रहे थे, एबीपी न्यूज़ की प्रतिमा मिश्रा लड़की है, उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की तरफ से नमन करता हूँ। उस लड़की ने एक महिला होते हुए दुख दिखाने के लिए, उसके साथ क्या बीती, आगे ना ऐसा हो, उसको दिखाने के लिए उसने एक निश्चय किया था, प्रतिमा मिश्रा ने, भी मैं चाहे यहाँ 10 दिन हो जाओ, जब तक परिवार से नहीं मिलूँगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, उसका दृढ़ निश्चय था। और आज उसको मैं उसके माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बेटी सभी के घर में पैदा हो। एपी न्यूज़ की वो पहली लड़की थी जो उस परिवार में आज सबसे पहले पहुँची। और डीएम ये ही नहीं कहा उन्हें, उन्होंने ऐसी ही धमकी नहीं दी, बहुत धमकी दी। एक जैसे 25 लाख सरकार ने वहाँ की घोषणा की पैसे की, क्या 25 लाख में उस घर की बेटी की इज्जत आ जाएगी या उसकी जान आ जाएगी? मेरे को इस बात का दुख है, यदि पैसे की कहीं ज़रूरत होती, हम 80 करोड़ से ज़्यादा दलित हैं इस, उसमें एक एक रुपया भी इकट्ठा करें तो हम उस परिवार को 80 करोड़ रुपया भेज सकते हैं, लेकिन उस परिवार को 80 करोड़ की ज़रूरत नहीं, 80 अरब की ज़रूरत नहीं, उसको तो उस लड़की का न्याय चाहिए है। और वो परिवार ये कह रहा है, भाई आज तो जो हो रहा है, कल ने भी कोई किसी समाज की लड़की हो, दलित वही है जिसका अपराध, जिस पे अपराध किया जाए और उन दोषियों को सजा ना मिले और वो वहीं दब जाता है, वो चाहे वो किसी भी जाति का, वो दलित है जिसकी आवाज़ नहीं उठती। एक डीएम ने और वहाँ बात कही, आज बात आई है, जब मनीषा नाम प्रतिमा मिश्रा जब पूछ रही थी घर वालों से, उसके भाई ने कहा, उस लड़की की भाभी ने कहा, भी डीएम साहब ने कहा, भाई आप ले लो चुपचाप पैसे 25 लाख, यदि कोरोना से मरता कोई देता आपको? अरे उसको शर्म आनी चाहिए उस डीएम को, क्या 25 लाख में अपनी बेटी की इज्जत बेच देगा? तो ऐसे अधिकारी किस तरह ये ऑफिसर बनाए गए, कैसे ये आवाज़ निकाल रहे, उस परिवार को 25 लाख दे के दबाव दे रहे हैं, ले लो कोरोना से मरता तो क्या हो जाता? 25 लाख की बात नहीं है, बात तो यह भी आगे अपराध खत्म हो, इसका मैं माननीय योगी जी जो यूपी के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात से हम थोड़ा थे, उन्होंने कहा अभी ऐतिहासिक ऐसा दंडनीय अपराध होगा जो सदा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। देखते हैं, मेरे को उम्मीद है वो जो कहते हैं करते हैं, भाई इन दोषियों के साथ, चार वो दोषी हैं जिन्हें रेप किया, और ये इसमें पुलिस अधिकारी भी है, डीएम भी हैं, इनको कितनी सज़ा दिला पाते हैं। मैं कल कहने वाला था, मैं मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से निवेदन करना चाहता था, मुख्यमंत्री साहब आप इनको निलंबित मत करना, आप इनको ट्रांसफ़र मत करना। तो एसपी निलंबित और डीएसपी समेत कुछ पुलिस वाले, डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप योगी जी से जो सीएम है यूपी के, क्या इनको नौकरी करने का हक है? ये तो समाज के में रहने के लायक ही नहीं, जिन्होंने एक लड़की के साथ रात को 2:30 बजे वो जीवित थी मरी हुई थी, घर वालों को नहीं देखने दिया, 2:30 बजे संस्कार किया, इनको तो उन दोषियों को जो सज़ा मिले, फांसी की मांग है पूरे देश की, इनको भी फांसी हो, मेरा तो यही योगी से निवेदन है। और योगी जी ने जो कल कहा था भी ऐतिहासिक सजा होगी, उस पर हमें विश्वास है कि वो ऐसा करें। और मैं एक अपराध के लिए जो अपनी अपनी सोच है, मैं इतना बड़ा राजनेता नहीं, कुछ नहीं, मेरी जो मन की इच्छा है, ये अपराध ऐसे रुकने वाले नहीं है देश में, ये ज़रूरी नहीं आज हाथरस में हो रहा, राजस्थान में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे, सारी जगह हो रहे हैं, पता नहीं कितने एक घंटे के बाद एक महिला से अपराध होता है, और लगभग कोशिश करते हैं उसको मारने की, गैंग रेप है, ये ऐसे रुकने वाले नहीं।
जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और एक बहुत ही सूझबूझ वाले नेता हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी जोड़ी, मैं कल भी निवेदन कर रहा था भगवान से, हमारी उम्र भी इनको लगाए। और जैसे देश में एक 370 धारा चली आ रही थी, वो नहीं टूटने वाले, वो ध्वस्त कराया, पूरे देश ने मान सम्मान कराया। मेरा इस जोड़ी से निवेदन है, हमारी उम्र भी आपको लगे, आप ऐसा कानून बनाए राजधानी दिल्ली के अंदर, ऐसा एक न्यायाधीश फैसला चबूतरा जिस पे न्याय हो वो बनाया जाए, अपराधी चेक जम्मू कश्मीर का हो, बिहार का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, उसकी सज़ा जैसे उसने दंड किया उसकी सज़ा वहाँ मिले, रेप मामले में वहाँ मिले। मर्डर तो है ही, मर्डर कैसे, उसको सज़ा कैसे मिले, वो पब्लिक से बट्टों से मरवाए, या उसको फांसी दी जाए, या उसको शूट किया जाए, या उसके हाथ पैर काट के फिर उसको शूट। मतलब आपका कहने का मतलब है जैसे मुस्लिम कंट्री के अंदर इस चीज़ की कड़ी सख्त सज़ा है वैसे ही प्रावधान हो? देखो जी, ये तो होना चाहिए, ये रुकने वाला नहीं है। विधायक जी, कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अभी पीछे आपने देखा होगा कि वो जो चार दोषियों को निर्भया के फांसी मिली, वो कितना समय निकाल गए, 8 साल केस चलता रहा, आखिरकार न्याय मिला। लेकिन अगर एक वो निर्भया की माँ थी, अगर मान लो कोई गरीब हो, उसको कैसे हम न्याय की आस कर सकते हैं, तो अपराधी छूट जाते हैं? मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से ये निवेदन है भी, जब जैसे चार लड़के हैं, उस लड़की ने नाम ले दिया और वो मान भी रहे हैं, उनको कोर्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं, ऐसा प्रधान करना चाहिए। हाँ भाई, उनको एट द स्पॉट 3-4 दिन के अंदर ही, और पूरे देश में एक दिन पहले कहा जाए भी कल 11 बजे 12 बजे दिन में ये लाइव, इनको सज़ा मिलेगी, और सारे हर कोने में बिजली छोड़ दी जाए और वो टीवी पे दिखाया जाए, ताकि आने वाले जो अपराधिक किस्म के बच्चे, क्राइम किस्म के बच्चे होंगे, वो देखकर उससे थर थर कांपे भी इनके साथ ही हुआ, मैं इस अपराध की तरफ जाऊंगा ही नहीं, ऐसा हो तो ये अपराध रुक सकता है, वैसे मुश्किल है। देखिए, आप ध्यान से सुनिए कि नीलोखड़ी के विधायक के और हरियाणा विकास वन निगम के चेयरमैन श्री धर्मपाल गुंदर जी किस सजा की मांग कर रहे हैं। ये अभी ये कह रहे हैं कि ऐसे रेप के मामले हमारे देश में रुकने वाले नहीं है, इसके लिए इन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे एक रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है, कि प्रार्थना के साथ साथ उन्हें ये भी कहा कि ये दोनों इनको लंबा जीवन दान मिले, लंबी उम्र मिले और हमारी उम्र भी लग जाए। लेकिन साथ में इन्होंने की इच्छा भी जताई कि ऐसा एक प्रावधान, कड़ा प्रावधान सजा का करना होगा, ताकि तभी जाके ये अपराध शायद रुकेंगे, तभी नसीहत आएगी, एक ऐसा चौक चबूतरा बनाया जाए जहां सरेआम जो है उसको फांसी दी जाए और लोग तय करें कि उसको कैसे मारना है। तो अब हम यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन की बात, यानी कि जो धान उत्पादक किसान हैं उनकी कोई मांग है, 5 को उनकी एक महापंचायत भी होने वाली है हिसार के बरवाला में, उनसे भी सवाल पूछेंगे। आप जाइएगा कहीं मत, बस यूं गए यूं आए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है समाचार एक्सप्रेस से इस लाइव कार्यक्रम में। आज हम सवाल कर रहे हैं नीलोखड़ी के विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी, जो हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन भी हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने
यूपी का मुद्दा जो हाथरस एक की एक दलित बेटी से जुड़ा हुआ है, उसमें हमने सवाल किया था और उस सवाल पर नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और एक मांग की है देश के प्रधानमंत्री से कि एक अलग से ऐसा कानून बने जिसमें तत्वारित और कड़ी कार्रवाई हो ताकि ये मैसेज आना चाहिए कि अब जो रेप गैंग रेप करने वाले हैं दलित या किसी महिला या बेटी से बच्ची से, अब उनकी हालत जो है ना मतलब ठीक होने वाली नहीं और वो किसी भी सूरत हाल में बचेंगे नहीं और ऐसा कठोर दंड मिलेगा कि एक मिसाल बन जाए और लोग ऐसा अपराध करते वक्त उनके हाथ कांपने चाहिए, लाजमी भी है, ये इन्होंने मांग भी की। लेकिन चूंकि नीलोखेड़ी की विधायक हैं, सरकार में हिस्सा भी हैं, प्रतिनिधि हैं सरकार के और जनता के भी प्रतिनिधि हैं, काफ़ी मात्रा में यानी कि हजारों की संख्या में लोगों ने इन्हें वो मत दिए हैं, उनका भी विश्वास कायम है। अब चूंकि धान का सीजन है, धान खरीद को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है, जगह जगह नारेबाजी है, अब इनसे सवाल क्योंकि हरियाणा की राजनीति से जुड़ा है, आप सरकार का हिस्सा हैं धर्मपाल जी, तो मैं पूछूंगा कि किसान आपसे सरकार से नाराज क्यों चल रहा है? आज मैं इस किसानों वाले समाचार से थोड़ा बेखबर हूँ, दो दिन से मैं सुन रहा हूँ। मैं 21 दिन कोरोना से पीड़ित था, 10 दिन मेरा करनाल में इलाज चला, फिर ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो मुझे और मेरी मिसिज को मेदांता गुड़गांव में जाना पड़ा। भगवान की कृपा से नीलोखेड़ी के हलके की और जो साथी हैं पूरे देश में हमारे जानकार हैं उनकी जो दुआएं थी उनकी वजह से हम ठीक हो गए, घर आ गए। मैं वहाँ समाचार नहीं देख सका, खबर नहीं सुन सका क्योंकि तकलीफ इतनी थी। अब मैं दो दिन से यहाँ जो सुन रहा हूँ, किसानों में जो सरकार ने नियम बनाए हैं, मैं किसानों के बीच में जाऊंगा, किसानों से उनकी जो कोई सरकार की तरफ से त्रुटि रहेगी कमी रहेगी वो पूछूंगा किसानों के बीच में जाकर। अभी मेरे को 8 तक इजाज़त नहीं बाहर जाने की, तो यदि किसान इस मुद्दे से इन सरकार के नियम से खुश हैं बहुत अच्छी बात, यदि वो खुश नहीं जो कमियां हैं उनको सुनकर मैं सरकार से रखूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा के, विकास पुरुष के नाम से हैं, उनसे बातचीत करेंगे, यदि वो कमियों को दूर कर देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, निवेदन करेंगे। यदि कोई ऐसी मजबूरी हुई और किसान खुश नहीं, मेरे को तो मजदूर किसान जनता ने बनाया, मेरा किसी पार्टी से कोई टिकट का नहीं था, जनता मेरी टिकट है, जनता ही मेरे वोटर हैं। यदि किसान नाराज हैं तो किसान और मजदूर, मैं मजदूर का बेटा हूँ, तुम्हारा एक रिश्ता है, मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूर के साथ हूँ, और किसान भी मजदूर के साथ जुड़ा हुआ। किसान और मजदूर ही देश के अन्नदाता हैं, किसानों के पास जमीन है, वो उनको बीज खाद समय समय पर कहते हैं भी ऐसा करो, मजदूर उसमें अपना काम करता है और जब जाके फसल तैयार होती है, यदि उनको समय पर यदि फसल का नुकसान होगा तो हम तो किसानों मजदूरों के साथ हैं। मेरा सरकार से एक और निवेदन है, अब तो शायद खाते खुल गए सभी किसानों के, पहले कई जिम्मेदारों के किसानों के मजदूरों के खाते नहीं थे, पैसे नहीं होते, खाते भी किसी उससे खुलवाएं और जिसके खाते हैं तो कई बार पैसे भी नहीं होते। किसानों का जो ATM है वो अड़ती है, घर घर में कोई पैसा नहीं होता किसानों के, और होता तो कई मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, वो वहीं के नज़दीक के अस्पताल में जान बचाने के लिए जाएगा। किसानों का जो ATM है वो अड़ती है, वहीं से फ़ोन कर देगा, अपने परिवार में नहीं करेगा, उसको पता है घर में पैसे नहीं है। जिम्मेदार जो किसान है अच्छी हालत के नहीं रहे, क्यों जमीन इतनी रही नहीं, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, तो वहीं से फ़ोन करेगा हॉस्पिटल से
उस आरती को जो जिसके पास उसकी जिन्न जाती है, भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैं बीमार हूँ, आरती रात हो दिन हो खुद आए, अपने परिवार के किसी को भेजे या अपने मुनीम को भेजे, वहाँ जाके पैसे पहुँचाता है। सरकार से मेरा निवेदन है ये जो इनका एटीएम का जो रिश्ता है किसान है, ये बना रहे, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, मेरी सरकार से फिर निवेदन है। अच्छा, एक आपने कहा कि मैं बीमार था, टच में नहीं था, पता नहीं, एक आपको शायद पता होगा क्योंकि खबर तो पहले से कि 3 अध्यादेश हमारे संसद में पास हुए, लोकसभा में अब तो बल्कि राष्ट्रपति की हस्ताक्षर होती वो कानून बन गए हैं, तो उस अध्यादेशों का जो है किसान जो है विरोध कर रहे हैं, उनकी मुख्य जो फोकस है वो MRP पे है कि जो MRP से जो नीचे अगर कोई चावल व्यापारी या कोई आरती उनकी फसल बिकवाता है तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए, वो इस तरह की एक मांग कर रहे हैं, क्या ये उनकी मांग जायज़ है? देखिए मैं एक बात बताई, सच्चाई में मेरे को इसका पता ही नहीं अब तक, मैं 2-3 दिन तो यहाँ रेस्ट करना पड़ा, 2 दिन से TV खोल लिया, क्यों सिर भारी होता था, 1-2 दिन के अंदर मैं इसकी स्टडी कर लूँगा, यदि वो किसान मजदूर के हक में नहीं है तो हम किसानों, मैं तो किसान के साथ हूँ, मजदूर के साथ हूँ, मैं तो उनके साथ रहूँगा। मतलब सरकार अगर किसानों की सुनवाई नहीं करती तो आप किसान के साथ खड़े हैं? उससे बड़ा हमारे देश का कोई अन्नदाता वो हमें रोटी देते हैं, 3 ही ऐसे लोग हैं जिसने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, किसान और मजदूर, ये अंधेरे हैं, और जो हम अपने घरों में सेफ सो रहे हैं ना, वो हमारे जवान हैं मिलिट्री के, वो वहाँ बॉर्डर पे हैं, वहाँ से कोई ऐसा अटैक ना हो, कोई दुश्मन ना घुस कर हमारे देश में वारदात कर दे, ये 3 तो ऐसी चीज़ हैं जिनके ऊपर हमारा देश हम जी रहे हैं, इनको हम 3 मिलिट्री को भी, किसानों को और मजदूरों को नमन करता हूँ उनके चरणों में जिन्होंने इस देश को कायम रख रखा। एक आप नीलोखड़ी के विधायक हैं, 1 साल हो गया, कई ऐसी मांगे हैं अभी भी लोगों की लंबित पड़ी हैं, जैसे त्रावड़ी का जो अंडरपास पुल है वो अभी तक चालू नहीं हो पाया, शायद बन गया है, तैयार हो गया है, मेरे ख्याल अभी स्टार्ट नहीं हो पाया, कुछ दिन पहले मैं गया था वहाँ बाइक लेके, अभी वो रास्ता बंद है, तो क्या खुल गया है या किस तरह की इंफॉर्मेशन है? मेरी एक्शन साहब से बात हो चुकी है, पुल तैयार है, उन्होंने टाइम मांगा था भाई इसका उद्घाटन करेंगे, तो मैंने समय दे दिया था, अगले दिन उनको पता लग गया भी ज़्यादा स्थिति ख़राब है, मैं मेदांता चले गया, उसके बाद वो तैयार हो चुका है पुल, 5-7 दिन में 8 के तब बाद ना कोई भी उद्घाटन जाए, कि आप उद्घाटन करेंगे तभी वो पुल चालू होगा? नहीं, मेरी बात है, हम वहाँ इकट्ठे होकर मिठाई खाएँगे, बांटेंगे, पब्लिक को वहाँ से किसी बुजुर्ग को पहले निकाल लेंगे, उद्घाटन तो बुजुर्ग के माध्यम से होगा। अच्छा, बुजुर्ग की माध्यम से जी, यानी कि कहने का मतलब ये कि नेक्स्ट वीक जो अगला सप्ताह है, आज तो शनिवार है, आज तो शनिवार का शाम का समय हो गया, यानी कि अगले वीक ये स्टार्ट हो जाएगा, मान लिया जाए। मेरे को भी लाउडनी में कल गया था दोस्तों से मिलने, वहाँ सफाई अभियान में, तो थोड़ी दिक्कत दोबारा हो ना हो, 8 के बाद वहाँ पब्लिक को बुलाएंगे, उनके हाथों वहाँ से उनको निकाल लेंगे, हम उनके साथ से निकलेंगे तो मज़ा आएगा, उद्घाटन ये नहीं अभी मैं करूँगा, उद्घाटन तो बुजुर्ग करेंगे। एक आपने मंडी का दौरा भी किया होगा और आपने त्रावड़ी मेन बाज़ार का दौरा किया होगा, एक मुगल कैनाल करनाल की तर्ज पर त्रावड़ी में भी एक ऐसी मुगल कैनाल बनाई जानी थी, वो काम जो है काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा है और इतनी गंदगी है वहाँ पे कि इस गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया था, क्या उस पर आगे काम चालू होगा या नहीं होगा, ये फाइल कहाँ अटक गई, ये काम क्यों रुक गया, निर्माण चल रहा था, ये वजह क्या है? मेरी काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा था भाई इसको भी पक्का करो और यहाँ किसी की ड्यूटी लगाए, इसमें गंद ना गिरे, हमारा खुद का भी अपनी गलती है, मान लो हम घर से गंद बांध के नाले में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते, सफाई भगवान का दूसरा रूप है, हमें खुद ही इसमें हम आगे आएंगे तो दूसरा भी कहेगा भाई जब ये नहीं गिरा मैं क्यों गिरूँ, तो रहेगी पक्की वाली बात है। सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा भाई ये क्यों छोड़ दिया, कह रहे जी इसको ना ऊपर से बंद करने की ना परमिशन नहीं मिल रही, मैंने कहा भाई दीवारें पक्की करो नीचे से कर दो, पानी तो जाए गंद तो ना रहे इसमें, वो जो गुरुद्वारे के पास पुड़ी है वहाँ से जहाँ तक बने हुआ वहाँ तक
शायद उसका टेंडर हो रहा है, नहीं हो तो हम करा के सेक्रेटरी साहब से बात करके वो कराएंगे, मेरी भी इच्छा है। अच्छा एमएलए साहब, 6 महीने तो कोरोना में निकल गए और 6 महीने में चले गए आपके धन्यवादी दौरे के अंदर जब आप एमएलए बने, यानी कि साल का वक्त हो गया पास, ठीक। अब बचे अपने पास 4 साल आपके पास, आप जनता को बड़ा मान मानते हैं क्योंकि आप वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते। कोई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं, क्योंकि व्यापारिक नगरी है तरावड़ी, नीलूखड़ी में व्यापार ठप है, नीलूखड़ी में कोई ऐसी बड़ा कोई उद्योग, कोई इस तरह का कोई प्रयास आप करें? पहले एक बार सुनने में आया था पिछली बंसीलाल जी की सरकार, जब वो बंसीलाल सीएम थे, कि यहाँ एक बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे। हर बार सरकार कोई ना कोई वहाँ लोगों से वायदा जरूर करती है, नेता जरूर करते हैं, लेकिन कोई बड़ा उद्योग आता नहीं है। कोई बड़ी ऐसी योजनाएं आपकी पाइपलाइन में हैं जिन्हें आगे विस्तार हो सकता है, जो आगे लाई जा सकती है? एक साल सरकार को होने को जा रहे, लगभग 11 महीने हो गए, धन्यवादी दौरे हम नहीं कर पाए। शुरू में 2 महीने तो ना मीटिंगों में ही, कभी वहाँ जाना कभी वहाँ जाना, उसमें लग गए। 26 दिन का सेशन था, सेशन में कोरोना आ गया और मीटिंगें बंद हो गई। उसके लिए तो ना सरकार दोषी है ना पब्लिक। जो मेरा सरकार से, जैसे अपने मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात करने का मन है, नीलूखेड़ी में कुछ ऐसी जगह पड़ी, उसका किसी से पूछे ये सेंटर की है, सेंटर के वहाँ पता नहीं 1955 का एक रिकॉर्ड है, 3.5-4 किले हैं, उस जगह का डिसीजन नहीं हो रहा। मैं तहसीलदार साहब से बात कर लिया, अब लिखित में देऊंगा, अब ये जगह बताओ किसकी कहाँ तक है, कितनी सेंटर की है, कितनी उसकी है। नीलूखेड़ी एक शिक्षा का केंद्र रहा, नीलूखेड़ी के जो लोग हैं उनको रोटी खाना मुश्किल हो रहा, क्योंकि एक वहाँ प्रेस थी, किसी के कमरे भी किराए पे थे, प्रेस के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं किराने से सौदा लेते थे, कपड़ों वाले से लेते थे, बिजनेस चल रहा था। तो ये प्रेस जाने के बाद वहाँ काफ़ी भारी नुकसान हुआ नीलूखेड़ी वासियों को, है ही नहीं जी वहाँ, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसकी देखभाल नहीं हो रही। लोग जो छोटी सोच के हैं, छोटी सोच जो चोरी चारी करते हैं, या कोई बड़ा कोई दबंग ऐसा ग्रोह है, उसकी चौकटें दरवाजे तक लेके पाट के, खिड़कियां लेके पाट के। तो एक तो ये मुख्यमंत्री जी के ध्यान में दिलवाएंगे, और एक ये सरकार उस जगह का फैसला कर दे किसकी है। उसके बाद मेरी इच्छा है कोई यहाँ अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट हो, जिससे आगे आने वाले बच्चों को रोज़गार मिले। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके, पब्लिक से बातचीत करके, सब इसे भी क्या हो सकता है, मैं कल्ला तो कुछ नहीं, वही मेरे विधायक हैं, जितनी जनता है उनसे पूछूंगा, मैं तो उनका सेवक हूँ, वो मैं आगे फरियाद लेके जाऊंगा। और मेरा ख्याल है माननीय मुख्यमंत्री जी को यदि ये सभी का फैसला एक होगा तो वो उसको ज़रूर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट वहाँ लगाएं, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। अच्छा विधायक जी, नीलूखेड़ी में हरियाणा गठन के बाद जितने भी विधायक आए उन्होंने कोई ना कोई सौगात रावड़ी और नीलूखेड़ी को दी, जैसे जयसिंह राणा जी रहे, चाहे वो धर्मपाल गोंदर जी रहे, आप भी हैं, सॉरी वो दूसरे आज स्वर्गीय हो गए, धर्मपाल सिद्धपुरी भी रहे, कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट एक बार लेके जरूर आए। जैसे जयसिंह राणा जी के कार्यकाल में मंडी आ गई, फिर वो ओवरब्रिज बन गया, हालांकि वो 25 साल लगातार राजनीति में रहे, 4 बार विधायक रहे और 20 साल उन्हें सेवा करने का मौका भी मिला, आपको भी मौका मिलना चाहिए, हम भी यही दुआ करेंगे। कोई ऐसा हर विधायक कोई ना कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट त्रावड़ी में लेकर जरूर आया है, तो क्या आपके भी कोई मन या मस्तिष्क में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? क्योंकि त्रावड़ी बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है और सबसे बड़ी अनाज मंडी भी है वहाँ पे, बहुत बड़ी राइस इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है और सेंचुरी प्लाईवुड भी वहीं है, बहुत छोटे मोटे उद्योग हैं वहाँ पे, कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट आप भी लाने की कोई कोशिश करेंगे त्रावड़ी में? जनता से मैं करूँगा बात इस बारे में, और जो सभी का फैसला होगा, मेरा तो ये भी वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, नीलूखेड़ी में लग जाए जो जगह पड़ी है, त्रोड़ी के नज़दीक के जितने गांव हैं वो मिले। और मेरा तो दो हो रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी बनी है वहाँ त्रोड़ी गुरुद्वारे के पास, एक ड्रेन जाती है
उस यूनिवर्सिटी का लगभग वहाँ से 3 किलोमीटर पे जाके दूसरी सड़क में मिल जाएगी। यदि वो सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें और वहाँ हमारा ड्रेन के साथ साथ ड्रेन के ऊपर जगह है काफ़ी, और वहाँ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का एक गेट लग जाए जीटी रोड पे, उसकी शोभा बढ़े और वहाँ से लोगों को आना जाना हो, ये मेरी ये रास्ते की मांग है। और कोई यहाँ इंडस्ट्री जैसे निगदू में कॉलेज की बात चल रही है मेरी, अभी सारे हरियाणा में 2 स्कूल एक एक स्कूल मिले सभी कॉन्स्टिट्यूंसी को, मैंने निवेदन करा, जैसे त्रोड़ी में तो पहले ही से था संस्कृति स्कूल, निस्संग में सरकार ने दे दिया, नीलोखेड़ी को सॉरी निगदू को पिछड़े हुआ एरिया मान रहे थे वहाँ के लिए भी मैंने निवेदन करा, एक स्कूल वहाँ भी दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, और एक कॉलेज की डिमांड है वहाँ से, सारे जितने कॉलेज 40-40 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, और मेरा ये अभी वहाँ कॉलेज बने, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिले, कईयों के पास साइकिल भी नहीं है दूर जाने के लिए, तो आसपास के जो बच्चे हैं वहीं पढ़े। अच्छा, हर क्षेत्र का विकास हो एमएलए चाहता है, चाहे वो निस्सिंग है, निगदू है, नीलोखड़ी है, द्रावड़ी है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरा जो है ना उसकी सेवा करना एमएलए के अधिकार क्षेत्र की बात भी है और करनी भी चाहिए। एक मैं आपको थोड़ा मैं गाइड भी कर दूं कि शायद आपको इस समय वो मामला पता नहीं प्रकाश में आया, कई साल पहले एक योजना बनाई गई थी कि नीलोखड़ी और त्रावड़ी को बीच में जोड़ा जाए और जो गैप का एरिया है वहाँ पर बसाया जाए, इसका एक प्लान भी बना था, आप पूछ लेना कभी त्रावड़ी नीलोखड़ी तहसीलदार के पास, जरूर इस योजना का खाका होगा। जैसे रेलवे का, जैसे रेलवे लाइन के साथ जो नहर दयानगर कॉलोनी से जो आगे सीधी नीलोखड़ी की तरफ जा रही है वहाँ एक अच्छी सड़क बनाई जा सकती है, अगर वो सड़क बन जाए ड्रेन के ऊपर ही चाहे बन जाए चाहे साइड में बनी हुई है, लेकिन अगर वो पक्की पूरी नीलोखड़ी तक बन जाए, अगर वो नीलोखड़ी और त्रावड़ी को जोड़ दे, तो फिर ये जो बीच की दूरी है ना ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और ये शहर बीच में एक दोनों ही मतलब बच जाएंगे, जैसे करनाल से इधर आप देखो बीच में CHD आ गया, इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है, इस तरह से त्रावड़ी और नीलोखड़ी को भी आप बीच में मिला सकते हैं, अगर इस तरह की योजना आप बनी हुई है आप कभी देखिए, आप चेक करवाइए, अगर ये अगर आपके प्रकाश मामले में आती है, संज्ञान में आती है, तो क्या इस तरह के प्रयास होंगे? सर इस तरह चावला साहब, ये मैंने पूछा था भी, एक आदमी पहले उससे चलता है त्रोड़ी के किले से, वो फिर GT रोड पे आए, फिर वो नीलोखेड़ी जाए और उसी साइड में जाए, उसका ये 15 किलोमीटर का फैसला हो जाता है, वो रास्ता मैंने देख लिया, वहाँ एक ओमपति जी शायद चेयरमैन रही हो नीलोखेड़ी की, उसके घर से एक पास से ना एक रास्ता जाता है ड्रेन से, और महज उनका मेरे ख्याल 2.5 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर, वो मैंने लेटर लिख के रख रखा, मैं माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा में कराऊंगा भी यदि ये रास्ता बन जाए तो वहाँ से जितनी दूर कोई मोटरसाइकिल साइकिल से आएगा ना, इतनी देर में 20 से पैदल आ जाएगा। आज भी लोग विधायक जी पैदल सैर करते हुए नीलोखड़ी के रेलवे स्टेशन तक वहाँ पहुँच के और फिर वापस भी आ जाते, वो मैंने लेटर टाइप कर रखा, और जब भी मौका लगेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके वो तो मेरा इच्छा कराने की वो कराऊंगा मैं। तो ये थे नीलोखेड़ी के विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी। सबसे बड़ी बात आज इन्होंने हाथरस रेप मामले को लेकर कही, बहुत इन्होंने, हालांकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और उसमें खुद ये चेयरमैन है, लेकिन ये जो वहाँ के UP के जो हाथरस के अधिकारी हैं उन पे इन्होंने कहा कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। CM योगी जी से मांग की है इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री जी से मांग की, गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग की। दूसरा, इन्होंने किसानों के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि किसान मजदूर और जवान ये हमारे देश की आन बान और शान है, और इनके बिना देश आर्थिक पटड़ी पर दौड़ ही नहीं पाता, ये भी इनका सही है। लेकिन इन साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ये कोरोना से पीड़ित हो गए थे और वेदांता चले गए थे गुड़गावा के अंदर, और अब भी इन्हें सलाह दी गई है कि अभी कुछ दिन अपने घर के आराम करें, लेकिन हम पीछे क्योंकि कोरोना पे जब इनको कोरोना हो गया तो उससे पहले भी हमारी इनसे बातचीत हो गई थी, ये हमारे स्टूडियो आने वाले थे लेकिन कोरोना हो गया उस वजह से आ नहीं पाए, तो हम भी इन पर दबाव डाल रहे थे कि आप इतने दिनों से टलते फिर रहे हैं, लेकिन आज ये हमारे स्टूडियो में आए, अच्छी बात है, फिर भी आज इन्होंने जनता के सवालों का जवाब दिया। दूसरी, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही,
कि जो त्रावड़ी का मुगल कैनाल है वो पूरा होगा, उसकी योजना पर ये नज़र गड़ाए हुए हैं। इन्होंने सचिव से बात कर ली है नगर पालिका के भी, और इसके अलावा जो भी संबंधित अधिकारी होगी उसकी उसकी भी फाइल ये खुद चेक करेंगे। चौथी इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर त्रावड़ी के गुरुद्वारे से यदि मैं भी हूँ, अगर मैं बाइक पर जाता हूँ तो सबसे मुझे पहले 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र करके जिट रोड पर जाना पड़ेगा, फिर 3-4 किलोमीटर का सफ़र करके मुझे नीलोखड़ी पहुँचना पड़ेगा। यहीं एक रास्ता त्रावड़ी के अंदर से भी जाता है, और वो योजना भी मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है कि यदि आप सरकार चाहे, अगर आप वहाँ का MLA चाहे तो नीलोखड़ी और त्रावड़ी के नगरों को दोनों को मिलाया जा सकता है, अच्छी वहाँ कॉलोनियाँ भी कर सकती हैं, अच्छा विकास हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि वो फाइल जो है मैंने मुख्यमंत्री के पास ऑलरेडी मैंने दी हुई है कि इस तरह की योजना, अच्छी विकास की अच्छी योजना को लेकर चलें। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए केवल कितना ही, अगले इंटरव्यू में भी किसी बड़ी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।